हेलो गेमर्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार गेम ऑन में। और हम लोग फार क्राई 6 का गेम प्ले कर रहे हैं, जो कि अभी हम स्टोरी मिशन पे है और एक नए स्टोरी मिशन के लिए हमारी जर्नी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बने रहना हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अभी हमें जाके एस्पाडा से मिलना है एक जगह पे। पहले मैं यहाँ पे एक कार मंगाऊंगा जिससे कि मैं उसके तक पहुंच सकूं। और एक बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे कार के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, तो जो भी कार मिलती है वही लेके जाने वाले हैं। वैसे ये कार भी ठीक ही है हमारी जर्नी के लिए, तो काफ़ी अच्छी है। तो अभी मुझे एक वाटर टावर है उसके पास जाना है, जहाँ पे एस्पाडा मिलने वाली है। और लोकेशन हमारा सेट हो चुका है मैप पे, तो हम बड़े आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, सिवाय कि रास्ते में कोई और दिक्कत ना आ जाए, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है। वैसे भी मुझे पंगा लेने की आदत है, तो हो सकता है कि कोई दिख जाए और मैं पंगा ले लूँ उनके साथ। लेकिन खैर, अभी मेरा कुछ मूड ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ स्टोरी मिशन के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना है। तो चलते हैं सीधे वहीं पर। जर्नी काफ़ी लंबी है और फास्ट ट्रैवल का कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहीं से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई हाइड आउट लेके नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे एनिमल्स भी रास्ते के बीच में, इसको क्या हो गया? अच्छा, तो मैं कह रहा था कि एनिमल्स भी रास्ते के बीच में मिल सकते हैं हमें इस तरह से बैठे हुए, जिस तरह से हमारे कंट्री में भी होता है यार कई जगह। एनिमी का ट्रक गया और मैंने कंट्रोल रखा खुद के ऊपर, वरना तो मैं उसे छेड़ने वाला ही था अभी। खैर, ये जर्नी काफी लंबी है, बहुत दूर जाना है। सीनरी काफी अच्छी है और शाम होने आई है, तो मुझे लगता है कि हमारा मिशन रात को होने वाला है। और मैं आगे बढ़ गया, जो भी मार्क था उससे थोड़ा आगे निकल गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा भी आगे नहीं निकले, यही करीब में ही है, तो वहाँ पे पहुँचते और देखते कि फिर क्या आगे स्टोरी चलने वाली है हमारी। इस पाड़ा ने हमें वहाँ क्यों बुलाया है कोई आइडिया है नहीं, वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार मांजरा क्या है। वाटर टावर के ऊपर वो बैठी हुई है, तो वहीं पर चलते हैं नीचे ऊपर। हो सकता है कि ऊपर जाते ही कोई कट स्कैन आ जाए, और वही होगा क्योंकि स्टोरी मिशन है तो कट स्कैन आने वाला है। पहले देख लेते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है। So why do you want this guy so bad anyway? El come mierda checks all the tobacco leaves for the vivido process. We fuck up the leaves, we fuck up the cancer drugs. We fuck up Napoleon e Pequeño's operation. Make him look bad in front of old Uncle Anton. A lot of heat. So how you wanna do this? We kill soldiers until we find him. And then? And then we kill more soldiers. Simple. I like it. Okay, तो बस तो soldiers को मारना है और किसी को तो ढूंढना है वहाँ पे जाके। और यहाँ पे ये जो सामने कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है, वहीं पे हमारा पूरा मिशन होने वाला है। और साइलेंट तरीके से ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये साइलेंट तरीके से ख़त्म कर पाऊँगा। फिर भी जितना साइलेंटली हो सकता है उतना करेंगे। और वैसे हमारा मगरमच्छ भी हमारे साथ है, तो गुलाबों की भी हेल्प काफ़ी मिल जाएगी। स्नाइपर का यूज़ करने का बहुत ही मन हो रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं स्नाइपर का यूज करूं और सबको पता चल जाए। ऐसे सामने बिल्डिंग के ऊपर भी एक स्नाइपर है, तो उसके लिए तो मुझे स्नाइपर यूज करना होगा। ये नॉर्मल गन से तो मुझे नहीं लगता कि खोपड़ी उड़ा पाऊंगा उसकी, एक नहीं दो दो स्नाइपर से। और भी चेक कर लेता हूं कहीं और कोई ना हो, फिर पता चले कि एक को मारा मैंने और दो जगह से मुझ पर ही स्नाइपर की गोली लग गई। ठीक है, आजा टारगेट में बेटा, लेवल में आजा। नहीं, बहुत दूर है।
आजा आजा यार, सीट नहीं लगी, सही से नहीं लगी, गड़बड़ हो गई। स्नाइपर की आवाज भी हुई और सारे लोग अलर्ट हो चुके होंगे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक स्नाइपर को तो निपटा दिया लेकिन दूसरा अलर्ट हो गया होगा। स्नाइपर बहुत जोर से आवाज करती है, मुझे इसका कोई इलाज करना होगा, आगे साइलेंसर लगाना होगा इसके आगे। यार ये बराबर दिखाई भी नहीं दे रहा, इसका स्कोप भी इतना ज्यादा जूम नहीं कर रहा, 8x वाला स्कोप चाहिए था मुझे। रिलोडिंग पहले कर लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि फिर एन मौके पे रिलोडिंग निकल जाता है, मतलब कि गोलियां खत्म हो जाती है। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा। आई थिंक तो दोनों स्नाइपर को तो लुढ़का दिया है और शायद अभी किसी को पता भी नहीं चला है, वरना अगर पता चलता दूसरे गार्ड्स को तो वो लोग आ जाते अभी तक, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। एक हेलीकॉप्टर है जो कि दिक्कत बन सकता है हमारे लिए। ओ गार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, पे स्नाइपर कहाँ गई? बहुत दूर है, थोड़ा करीब जाना होगा। और ऊपर से ठोकू क्या इसे? यहाँ ऊपर से अगर एम सही से मिल रहा है तो ऊपर से ही ठोक देंगे। यहाँ पे वैसे ऐसा है क्या कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है? अभी एक और स्नाइपर बचा हुआ है मेरे नजरों के सामने है। वो देखा इसने मुझे, पहले तो इसे ही निपटाना होगा। This alarm is bulletproof. अलार्म है और स्नाइपर तो एक ही है, फिर भी रिचेक करने में क्या जाता है। इस स्नाइपर को मुझे ठोकना होगा किसी भी तरह से। ओ एक में ही खोपड़ी खोल दी मैंने इसकी। ये लोग क्या अलर्ट हुए? Watch it. अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं है मुझे कि अलर्ट हो गए हो ये लोग। अलार्म बजते नहीं दिखाई दे रहे और सोल्जर्स भी बड़ी आसानी से घूम फिर रहे हैं, सो इन्हें कुछ पता नहीं चला है अभी तक। चलो काफी सारी छानबीन कर ली मैंने, अब जंप इन कर देना चाहिए। को कुछ हो गया ये पता चला इसे, ये जो इंजीनियर बंदा है उसे कुछ पता चल चुका है। अरे यार यहीं पे लग गई गोली, अब पता चल गया, अलार्म भी बज चुके हैं और अब खतरे की घंटी बजने वाली है। टैंक, टैंक कहाँ से आ गई? खैर अच्छा है कि मेरे पास ये पावर था तो मैंने टैंक को तो शांत कर दिया है, और भी कई लोगों को शांत कर दिया, लेकिन अभी भी कई बंदे बच चुके हैं इनके, तो यहीं से जंप कर दे। ओ, 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 ओ यार अब बजा अलार्म, अलार्म बच चुका है और अभी तो बहुत सारे एनिमी आने वाले हैं, बड़ी धमाल होने वाली है अभी यहाँ पे। और हाँ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यार आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ फाइट के अंदर क्योंकि चारों ओर से एनिमीज अटैक कर रहे हैं मेरे पे और एस्पाडा से मुझे जो चाहिए इतनी हेल्प नहीं मिल रही। ये इनका ऑफिसर है, ऑफिसर को मैंने टपका दिया है और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अलार्म को भी बंद कर दूँ। आ जाओ, अरे यार ये एक और स्नाइपर कहाँ से आ गया? रुक, चलो गई गई गई, ये तो गया, यहाँ पे भी कहीं पे है। अलार्म को बंद करना है मुझे,
यही पे कुछ था, मेरे पास C4 भी नहीं है वरना मैं इस हेलीकॉप्टर को खत्म कर देता। चलो ये अलार्म भी मैंने बंद कर दिया है और ये फायरिंग कहाँ से हो रही है? साले ट्रक भर भर के आ रहे हैं, इनकी व्हीकल लेके आ रहे हैं ये लोग तो। अबे रुको यार, ओ शिट, फ्लैश ग्रेनेड फेंका मेरे पे। हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं पाऊंगा, नहीं वो रिस्क भी नहीं लेना मुझे। पहले नीचे चलते और नीचे जाके चेक करते कि किस तरह से फाइट कर सकेंगे इनके सामने। रुको यार, कहां कहां से फायर कर रहे हो? ये बड़ी गन कुछ काम लगेगी मेरे। ये ये यस, फायर तो जबरदस्त वाली हो रही है। अंधाधुन फायरिंग कर रहा हूं अभी तो मैं। इन दोनों को भी भेज दिया कि वहां पे जाके लड़ो तुम लोग। शिट, बड़े करीब में ग्रेनेड फेंका है इन लोगों ने। अबे रुक यार, ये ऐसे मौकों पे ही क्यों मेरी मैगजीन खत्म हो जाती है? और ये एक तो जल गई, पहले इसे इसकी आग बुझानी होगी। ओ यार, मेरा मगरमच्छ वहां जख्मी पड़ा हुआ है। चलो मैंने खुद को तो रिवाइव कर लिया, लेकिन मेरे मगरमच्छ को रिवाइव करना होगा मुझे जाके। शिट, फिर से आग लगा दी इसने। अबे मर जा यार, अबे दोनों को रिवाइव करना पड़ेगा अब तो। उठ जा उठ जा उठ जा। यही मेरे पास एक और रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। मेरे मगरमच्छ को बचाना है मुझे। खड़ा हो जा बेटा, चल चल लग जा ड्यूटी पे, ड्यूटी पे जल्दी जल्दी जल्दी। एक बंदे को मैंने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया पता नहीं। स्पाइडर ने मार दिया क्या? नहीं है, है यहीं पे कहीं पे है। ओ मेरा मगरमच्छ ने इसका काम तमाम कर दिया। आई थिंक तो अब तो मैंने सारे गार्ड्स को मार दिया है। अभी इसके साथ जाना है, सर्च करना है ये इलाका, पता नहीं क्या ढूंढना है ये लोग। एमओ जितनी मिले उतने ले लूं, क्योंकि रिटर्न आए बाद पता नहीं क्या हो। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं चलो, कट स्कैन आया, देखते क्या है कट स्कैन में। Get away from me. Fuck me, mierda. Mierda is right. You look like shit, hermanito. अबे ये तो मोंटेरो ही है, इसका भाई है। We've been hunting your brother this whole time. Who the hell are you? Why didn't you just tell me? Alejandro, come on, we're going home. Vete pa'l carajo. Ale. Suéltame. Cojones. Pasa. ¿Qué es lo que te pasa? What the fuck, Ale? I'm not going anywhere. I told you before, and I am telling you now, I believe in Castillo. I believe in Viviro and Jose. He's seen the vision through. Napoleon el Pequeño is a slave driver. He's fucking loco. Says the person trying to kidnap me. You change your name, you change your uniform, but you are still a Montero. And Papa still got a machete up his ass. And you are running to the jungle like you did when you were 5. Except now you kill people and you call yourself, what is it, the spike? The sword. Wow, clever. What? You are going to stab me now?
Papa is sick. I don't care. Papa gave up on me a long time ago, and you know it. Family's a bitch, no? That's what I hear. We should split up. Not a word about this to Papa. Oh, family matter hai inka ye to. इसका भाई उन लोगों के लिए काम कर रहा है और ये उसे यहाँ से लेने के लिए आए थे, तो यही हमारा मिशन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, कोई और गार्ड्स आ जाए उससे पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। और मेरा रैंक अप भी हो गया, लेवल 4 पे पहुँच चुका हूँ, सॉरी रैंक 4 पे पहुँच चुका हूँ। काफ़ी कुछ मटेरियल मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे उसके लिए जॉन की हेल्प लेनी होगी। मुझे उसके पास मिलने जाना होगा। अब पता नहीं कब जा पाऊंगा, वो तो मुझे पता नहीं है। All good. Just glad I know the real story now. I was worried you wouldn't help if you knew my brother was military. He's a traitor. बस आप लोगों को ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, थोड़ा स्लो था, कई जगह पे मुझसे थोड़ी गलती भी हो गई। इसे और जल्दी खत्म कर सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं कर पाए। फिर भी जो भी कमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। और आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय।